आप सभी का शुक्रिया यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए. बहुत खुश हूँ यहाँ पे रवि जी के साथ, निखिल जी के साथ. क्या बोलूँ, रवि जी ने काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक बातें बता सकती हूँ. मुझे एक बात से बहुत आदत है आजकल, हर वक्त जब कभी ज़्यादातर लोग मुझे मिलते हैं या किसी डिस्कशन में बुलाते हैं या स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो कहते हैं अरे नेहा दीक्षित आप वही है ना, आपकी बहुत ट्रोलिंग करी जाती है. तो मुझे कहती हूँ हाँ, मगर मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है कि ये पत्रकार हैं जिनकी बहुत ट्रोलिंग करी जाती है. हम सारे लोग कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ रिपोर्टिंग करते हैं, उसकी वजह से ट्रोलिंग होती है. हमारी ये पहचान नहीं है कि हम सिर्फ ट्रोल होते हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या लिखते हैं. बहुत लोग ये कहते हैं कि ये थ्रेट और इंटिमिडेशन जो होता है, ट्रोलिंग जो होती है, इसमें ये फालतू की जेंडर की बातें मत लाओ. मैं मानती हूँ हर किसी के ऊपर थ्रेट है, बहुत सारे इंटिमिडेशन है, मगर मैं दो तीन एग्जाम्पल देना चाहूँगी. और अब मैं इस पिछले 5-6 साल में इस स्थिति तक पहुँच चुकी हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं मैं इतनी बेशरम ना हो जाऊँ कि मुझे किसी बात का असर होना छूट जाए. तो बहुत सारे लोग जब पुरुषों को ट्रोल करते हैं तो उनको कहते हैं अरे पेड़ मीडिया आ गई, और जब महिलाओं को ट्रोल करते हैं तो कहते हैं अरे यू मस्ट हैव स्लेप्ट विद समवन. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी मतलब पेड मीडिया बोल दो, हमें भी पैसे की ज़रूरत है. मतलब महिलाओं को भी करप्ट होने का राइट है, हमें भी पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो हम बेईमानी के लिए भी लिख सकते हैं जिससे आप अग्री नहीं करते हैं. तो यही बोलना क्यों ज़रूरी है. दूसरी चीज़, हम अक्सर आपस में हंसते हैं. मेरी दोस्त शाहिना यहाँ बैठी हुई हैं, शाहिना और मेरी अक्सर ये बात होती है, जब शाहिना को गालियाँ पड़ती हैं तो शाहिना को कहते हैं अरे ये तो लश्कर ए तैयबा के लीडर आ गई, और मुझे जब बोलते हैं तो कहते हैं अरे शी इज़ द वाइफ ऑफ अ लश्कर ए तैयबा लीडर. तो मुझे ये बहुत आपत्ति है, मतलब ट्रोलिंग में भी मेरे को कोई एजेंसी नहीं दे रहे हैं. मतलब मुझे वाइफ होना ज़रूरी है, मैं लीडर नहीं हो सकती. तो इस तरह की बातें होती हैं. फिर तीसरा ये होता है कि बहुत फ्री टाइम है तो ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हैं लोग कि मेरे फ़ोटो मेरे घर वालों के साथ, तो मेरी फ़ोटो विद ए की फ़ोटो विद बी की फ़ोटो विद कन्हैया कुमार, हैंस थ्रू नेहा दीक्षित कनेक्शन विद एंटी नेशनल कन्हैया कुमार. ये इस तरीके से हो गया कि नेहा दीक्षित सिटिंग विद आलू का पराठा समवेयर एल्स, हैंस थ्रू नेहा दीक्षित इज एन आलू. मतलब ये इस तरह की थ्योरी लगाई जाती है. तीसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा मेरी मदर अभी बहुत स्मार्टफोन में बहुत एक्टिव हो गई हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं तो स्टूडेंट्स अलग अलग उनको रोज़ रोज़ बताया करते हैं ये इंस्टाग्राम है, ये ट्विटर है, ये फेसबुक है. मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई क्योंकि मेरी मदर ने रिसेंटली ट्विटर ज्वाइन किया, और ट्विटर ज्वाइन करके उन्होंने आके मुझे फॉलो किया, और पहली चीज़ उन्होंने देखा कि खूब लंबे लंबे मतलब 100-100 ट्वीट्स के थ्रेड्स थे जिसमें ये डिस्कशन हो रहा था कि मेरा रेप रॉड से होना चाहिए या गुलाब की झाड़ी से होना चाहिए जिसमें कांटे होते हैं, या बबूल की झाड़ी से होना चाहिए. इस तरह के डिस्कशन चलते रहते हैं. मगर मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर किसी के साथ हो रहा है. मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, कई जगह ऐसे लगते हैं जो पढ़ते हैं, कई लोगों को जानती हूँ, जब कोई दिक्कत होती है तो मैं बोल सकती हूँ. मगर ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके साथ जब ये बात होती है तो वो बोल ही नहीं पाती हैं. खबर एरिया का एक एग्जांपल है जहाँ पे जब वो जितनी बार वो फेसबुक लाइव करते हैं मध्य प्रदेश से या ललितपुर से बुंदेलखंड से, उतनी बार महिला पत्रकारों पर अटैक होता है, उतनी बार उनके ऑफिस में जाके बिजली काट दी जाती है, उतनी बार उनको अलग अलग नंबर से अलग अलग सिम से फ़ोन किया जाता है, और जब वो पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस वाले कहते हैं आप तो काम ऐसे करते हैं. तो ये जो तरीका है, ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग लड़े हैं, मगर इसका जो स्वरूप जैसे रवीश जी ने भी बताया था, इसको हम कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ किस तरीके से बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है. जैसे कि बताया गया था कि मैं 2016 में अगस्त में मैंने एक स्टोरी पब्लिश करी थी आउटलुक मैगजीन के साथ, जिसका नाम था ऑपरेशन बेबी उठाओ बेबी लिफ्ट.
मैं ये कहना चाहूँगी कि 2016 की शूटिंग नहीं हो रही है, 2013 के आसपास सितंबर में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बारे में मैंने कई सारी रिपोर्ट लिखी थी, वहाँ पे मास रेप्स हुए थे उसके बारे में लिखा था, ट्रोलिंग तब से चल रही है। मगर हाँ, उसके पिछले 4.5 साल में ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑपरेशन बेटी उठाओ ये स्टोरी थी कि असम के 5 डिस्ट्रिक्ट से 31 आदिवासी फोटो और संथल लड़कियों को आरएसएस के 3 अलग अलग संस्थाएं, राष्ट्र सेविका समिति जो उनका वेलफेयर विंग है, सेवा भारती जो उनका वेलफेयर विंग है और विद्या भारती जो उनका एजुकेशन विंग है, उसके लोगों ने मिलकर वहाँ के बहुत सारे परिवारों में कहा जाकर कि उनकी बेटियों को वो ले जाएंगे, पढ़ाएंगे, फ्री में रखेंगे, फ्री में खाना देंगे। और ये उस उतने रिमोट एरिया हैं जहाँ पर अभी तक रोड नहीं है, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो ये कह के उन बच्चियों को जुलाई 2015 में लेके जाया गया, उनसे एफिडेविट बनवाए गए कि ये हम रायट अफेक्टेड लोग हैं और हम अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए उनको हम दे रहे हैं। और ये सारे एफिडेविट अंग्रेजी में बनाए गए और अंग्रेजी में साइन किए हुए थे। साथ ही साथ वो लड़कियों की उम्र 3 साल से 11 साल की उम्र में थी और उन 31 लड़कियों में से 20 लड़कियों को गुजरात में लेके जाया गया था और 11 लड़कियों को पटियाला लेके गए थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी कोई मैं अपने तरफ से नहीं बता रही हूँ, इसका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोकरा झार, असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लगातार ये बात लिखी थी कि ये लड़कियों को वापस लाया जाए, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। क्योंकि जब उन बच्चियों को लेके चले गए उसके बाद 1.5 साल तक माँ बाप अपनी बच्चियों से बात नहीं कर पाए, उनके घर से उन बच्चियों की जो भी फ़ोटो थी, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड था, वो सारा कुछ सेवा भारती और राष्ट्र सेविका समिति के कार्डन ने जाकर ले लिया था। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी एक बार फ़ोटो खो जाए तो आप दोबारा नहीं बनवा सकते। तो उन पेरेंट्स के पास ये भी प्रूफ नहीं था कि वो कह सके कि हमारी बच्चियाँ थीं और उनको लेके जा गए। तो असम स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने लगातार ये आरएसएस की 3 संस्थाओं को लिखा कि आप इन लड़कियों को वापस कीजिए। जब मैं रिपोर्टिंग करने गई वहाँ कोकराझार में, बोडोलैंड में, बहुत सारे लोगों ने हड़काने की कोशिश करी। जब गुजरात पहुँचे जहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में ये बच्चियाँ थीं, तो पता चला कि पिछले 1.5 साल में वो जो 3 साल की 4 साल की बच्चियाँ हैं वो अब सिर्फ गुजराती या हिंदी में बात कर सकती हैं और उनके माँ बाप पीछे या तो बोडो भाषा जानते थे या असमी भाषा जानते थे। तो इसका मतलब ये है कि जब वो वापस जाएंगी तो अब वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर सकती। दूसरा, उस स्कूल में उनकी कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं चल रही थी, उनको कोई मैथ साइंस इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही थी। उनके क्लासेस होते थे संस्कार क्लास, भजन क्लास और इस तरीके के बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हुए। उसमें एक बच्ची ने ये भी बताया कि हालांकि स्कूल में घुसने में सुबह 6 बजे में ऐसे ही घुस गए क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उनसे बात करने का और उस वक्त दरवाज़ा खुला हुआ था। उन बच्चियों ने बताया कि हमारे एक छोटी 3-4 साल की लड़की थी बबिता, उसने बताया, अब मेरी एक फेवरेट कहानी है जिसका नाम है छोटा काशी की रानी। छोटा काशी सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट को भी कहते हैं जहाँ पे ये सरस्वती शिशु मंदिर है। उस शॉर्ट में उस लड़की ने ये कहा कि रानी छोटा जो छोटा काशी की रानी थी, जब उनके पति युद्ध में गए तो उन्होंने अपने आप को मतलब जौहर कर लिया और साथ में और लोगों को लगा लिया, तो वो भी अब मुसलमानों से और क्रिश्चन से बचने के लिए वो जौहर करने को तैयार हैं, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। खैर, यहाँ पे आती है बात फ्रीलांसर्स की या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की। पिछले 6 साल से मेरे पास कोई प्रेस कार्ड नहीं है। अब जब वहाँ पे हमें सरस्वती शिशु मंदिर में मैं घुस गई 6 बजे, थोड़ी उस वक्त तो दलेरी दिखा ली मगर उसके बाद वहाँ के ट्रस्टी आ गए। अब मैं सिर्फ अकेले गई हुई थी और वहाँ की लोकल टैक्सी ली थी, तो ट्रस्टी ने ताले लगवा दिए सरस्वती शिशु मंदिर में और ड्राइवर भी क्योंकि वहीं के थे तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। तो ट्रस्टी ने कहा अरे कर लो, पुलिस वाला तो मेरा बड़ा भाई है। तो उसके बाद 1.5-2 घंटे तक उन्होंने मुझे रखा। अब मैं प्रूफ कैसे करूँ कि मैं पत्रकार हूँ?
तो उन्होंने कहा आप कैसे प्रेस कार्ड दिखाइए, प्रेस कार्ड है नहीं क्योंकि ज़्यादातर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के पास प्रेस कार्ड नहीं है या कोई हमारे पास इस तरह की बॉडी भी नहीं है प्रेस बॉडी, या PIP हमें एक्रेडिटेशन देगा नहीं क्योंकि पहले तो फ्रीलांसर अगर आप 15 साल तक आपने काम नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा अगर आप एक आपको लेबल कर दिया गया है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्नलिस्ट की तरह तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा अच्छा मैं आपको गूगल करके दिखा देती हूँ मैं क्या स्टोरी किया है, फिर मैंने सोचा अरे मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या स्टोरी किया है फिर तो मैं बिल्कुल नहीं यहाँ से निकल सकती। उसके बाद उन्होंने 1-1.5 घंटे बैठा के रखा और अंत में मुझसे कहा अरे आप ब्राह्मण औरत है तो कुछ गलत तो नहीं करेंगे, और ये कह के उन्होंने मुझे छोड़ा। जब स्टोरी पब्लिश हो गई तो उसके बाद क्योंकि मैं आउटलुक की एम्प्लॉय नहीं थी, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थी, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा रूल है कि इंडिया में आप अगर किसी भी संस्था के लिए लिखें आपको कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है, आप बस आपने आप आपकी बोलचाल हो गई, फ़ोन पर आपने बात कर ली या मेल एक्सचेंज कर ली, बस हो गया, तो आप अभी कोई प्रूव नहीं कर सकते हैं कि आप। तो जब स्टोरी 28 तारीख को स्टोरी आई, 28 जुलाई को, 6 तारीख को FIR दर्ज हो गई, जहाँ पे उन्होंने एक भी फैक्ट काउंटर नहीं किया मगर आखिरी पैराग्राफ उठा के कह दिया कि ये पैराग्राफ इज इंसाइटिंग कम्युनल हेट्रेड। तो ये केस उन्होंने मेरे खिलाफ फाइल किया, आउटलुक के एडिटर कृष्ण प्रसाद के खिलाफ फाइल किया और पब्लिशर के पास फाइल किया। उसके बाद की क्या कहानी है पिछले 2 साल से, एडिटर को उन्होंने अचानक से हटा दिया, चेंज हो गया एडिटर, और पिछले 2 साल से ना मेरा कोई फ़ोन उठाता है, ना मुझे बताता है कि कोर्ट की नोटिस आई है कि नहीं आई है, कोर्ट से समन आया है कि नहीं आया है, और जो संस्थान ने वो स्टोरी पब्लिश करी उसका अब ये रवैया है कि वो क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ या एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मुझे ये भी जानने का हक नहीं है कि क्या कोर्ट ने मुझे समन इशू किया है और क्या कल मुझे गुवाहाटी में जहाँ केस लिखाया गया है वहाँ जाने की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरी बात, हम लोग को कभी भी एडवांस नहीं मिलता है पैसों के लिए, हम अपने किसी तरह से निकाल के लेके जाते हैं। आफ्टर द स्टोरी वॉज पब्लिश एंड आई आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टोरी, आई वॉज टोल्ड देर इज नो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टू पे यू। सो कवर स्टोरी छप गई है 16 पन्ने की 10,000 वर्ड की मगर देर इज नो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टू पे यू। अब आई एम जस्ट सेइंग व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज बिकॉज देर आर हूट की रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2017 में मई में, उसमें ये कहा गया था स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स ने ये पार्लियामेंट में ये भी बताया था कि 154 जर्नलिस्ट पर अटैक हो चुका है 2014-2015 के बीच में, और उसके बाद 54 उसमें और नंबर बढ़ गए थे। हूट की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जो लोग ज़मीन में जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा डेंजर हो गया है वहाँ पर जाके ये करना। Now, most of us, a lot of us, जितने भी हैं मैं कलेक्टिव की मेंबर हूँ जिसका नाम है नेटवर्क फॉर वुमेन इन मीडिया इन इंडिया, उसमें हम ज़्यादातर हम ये देखते हैं जितने भी महिला पत्रकार हैं ज़्यादातर फ्रीलांसर्स हैं क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस हैं, वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हरासमेंट एड्रेस नहीं होता है या आपको पैसे नहीं मिलते हैं आप छोड़ देते हैं, इस तरीके की कन्वीनियंस नहीं है, तो हम सारे जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इसी तरीके का बर्ताव होता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर हम जाके कहीं पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जब इस तरीके का थ्रेट आता है इस तरह का कि केस होता है तो हम किसके पास जाएं, हम किसके किसको जाके बोलें, या तो हमारे पास इतना पैसे हो कि हमारे पास कोई, जैसे कि पहले कुनाल भी कह रहे थे कि बहुत सारे पैसे हों तो कोई ज़रूरत नहीं है सब बातें सोचने की, बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देर इज नो सिंगल प्रेस बॉडी इन दिस कंट्री राइट नाउ दैट एड्रेसेस द फैक्ट that if people are getting intimidated, if people are being slapped with these cases, who are they going to go, who is going to address it? There is not even one single acknowledgement. जब मेरे ऊपर ये केस लगा था वो उस वक्त पहला ही इस तरह का केस हो रहा था, जब तक कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक स्टेटमेंट नहीं निकाला एक सिंगल प्रेस बॉडी ने इस देश में एक बात भी ये नहीं बोला कि ये क्रिमिनल केस है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, रोज इस तरीके के केसेस हैं। अभी हमारे NWMI में रीना मुखर्जी है, वो 14 साल से स्टेट्समैन में काम कर रही थी, 14 साल से वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लड़ रही थी,
अब 14 साल के बाद उनके ऊपर जो हजारों डिफेमेशन केसेस लगाए गए थे क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था, अब जाके वो बड़े हुए हैं विदाउट एनी सिंगल सपोर्ट. What I'm trying to say is that when we talk about threats, when we talk about intimidation, हमने कोई ठेकेदारी नहीं रखी है कि हमारे ऊपर threat आया तो हम हर बार पुलिस स्टेशन जाएं. अगर रोज 300-400 लोग अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो भेज रहे हैं, अपने हर तरीके की फोटो भेज रहे हैं, मैं अपना काम करूंगी या मैं जाके कंप्लेन कराऊंगी, वो भी उन पुलिस वालों से जिनका किस तरीके का रवैया है आप सारे लोग जानते हैं. आई एम सेइंग द ओनस डज नॉट लाई ऑन अस. The onus lies on the state. There has to be an institutional mechanism to address the kind of trolling and the kind of threats everybody is facing. फिर एक और बात आती है कि आप ठीक है मैं स्टोरी कर रही हूँ मगर मैं क्या स्टोरी कर रही हूँ. If I am doing a story on UP in 1200 encounters in UP in one year, which means 4 encounter per day, ठीक है उसके बाद बहुत ही आसानी से कोई पुलिस वाला फोन करके कह देता है अरे नेहा जी चाय पीने आइए मुझे पता है आप और आपके हस्बैंड यहाँ पे बहुत आते रहते हैं. पिछले हफ्ते मैंने स्टोरी पब्लिश करी कि 160 नेशनल सिक्योरिटी केस एक्ट के अंदर 160 लोग अरेस्ट हुए हैं यूपी में 10 महीने में जनवरी 2018. उसमें ज़्यादातर ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे हिंदू समाज पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी ने दंगे भड़काने की कोशिश करी और जब दंगे भड़काए तो मुसलमानों को उन्होंने पे एनएसए लगा दिया और जो हिंदुत्व एक्टिविस्ट थे उनको छोड़ दिया. वो स्टोरी पब्लिश होने के बाद यूपी पुलिस के टॉप ऑफिसर फोन करके कहते हैं क्या बात है आजकल यहीं की स्टोरी करनी है मुझे पता है आपकी मदर कहाँ रहती है. दीज आर थिंग्स दैट हैपन एवरी सिंगल डे. And who are we going to go and complain? And also, for the lack of very, हमारे जितने भी press bodies हैं वो इतनी spineless हो चुकी हैं. Unless you are affiliated with something, unless you are part of a club, unfortunately Delhi में बहुत सारा elite club भी है. आप उसके अंदर अगर आप नहीं हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी. आप मालिनी सुब्रमण्यम का example ले लीजिए जो उनको बस्तर से हट के अब हैदराबाद में रहना पड़ रहा है. उनके केस में फिर सीपीजे ने एक स्टेटमेंट इशू किया मगर उसके बाद हमारे प्रेस बॉडीज ने कोई फॉलोअप नहीं किया. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं गिना सकती हूँ बट उसके बावजूद बहुत छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ देर हैज टू बी एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. हम लोग एक एक करके अपनी बातें कह सकते हैं हम बोल सकते हैं हम चिल्ला सकते हैं बट अनलेस कोई एक कलेक्टिव तरीके से स्टेट की तरफ से इसको सीरियसली नहीं लिया जाए ये नहीं ये हम आगे लेके जा ही नहीं सकते. दूसरी बात अगर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हर वक्त आपकी ट्रोलिंग हो रही है आप जाकर कंप्लेन लिखाइए पुलिस से बताइए. मेनका गांधी ने कई बार कहा कि हमने एक साइबर सेल शुरू किया है वहाँ पर आप इतनी बार कंप्लेन कर दीजिए उसका कोई कभी भी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा. तो जैसे रवीश भी कह रहे थे there is a political atmosphere in which they don't want us to talk about Adivasi girls being trafficked, they don't want us to talk about working class Muslims being killed in encounters, जहाँ पर पहले तो terrorism का charge लगाया जाता था encounters को लेके, अब अगर आप ये सारे 1200 cases उठा के देखेंगे किसी के ऊपर चार्ज है कि किसी ने सोने की अंगूठी चढ़ा ली, किसी के ऊपर चार्ज है कि उसने 8500 रुपये चढ़ा लिए, ये charges लगाकर उनका encounter चला. या आप एनएसए के केसेस उठा लीजिए जितने लोगों को अरेस्ट किया है बहराइच में रिक्शा वाला चूड़ी बेचने वाला फल बेचने वाले ये लोग एक रिक्शे वाला जिसके घर में वो पिछले 9 महीने से जेल में है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर और आप सारे लोग जानते होंगे कि जब एक बार एनएसए लग जाता है तो उसको कहा जाता है नो वकील नो अपील नो दलील. यानी कि स्टेट अपॉइंटेड एडवाइजरी बोर्ड ये बताता है कि आपको रिहा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. उसमें आप जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कोई केस नहीं दायर करेंगे उसको आगे आप नहीं लेके जा सकते. बहराइच में एक रिक्शे वाला था वो पिछले 9 महीने से जेल में है उसके घर में जिस दिन मैं गई उसके 6 बच्चे थे छप्पर टूटा हुआ था बारिश हो रही थी. मतलब मैं बस एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ कि कौन लोग अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो गए हैं. छप्पर टूटा हुआ था बारिश हो रही थी और एक हंडिया में चूल्हे पे 5 आलू उबल रहे थे हल्दी और नमक के साथ वही उनके पास वो 6 बच्चे और उसकी माँ के पास खाने के लिए था.
और ऐसे लोग हमारे लिए अब थ्रेट हो गए हैं नेशनल सिक्योरिटी को, और जब हम इनके बारे में लिखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमें पता है आपकी मदर कहाँ है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अब जैसे मैं कह रही थी, अब हम इतने बेशरम हो गए हैं कि हम अड़े थे और अड़े रहेंगे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं।